उत्तराखंड में जब से त्रिवेंद्र रावत सरकार की पोल खोली गई है उसके बाद से वहाँ के मंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री पूरी तरह से बौखला गए हैं। उनके कई मंत्री आजकल मुझको गाली दे रहे हैं लेकिन मेरे सवालों के जवाब नहीं दे रहे। मैंने जो सवाल उठाए थे कि भाई उत्तराखंड सरकार ने स्कूल नहीं बनवाए, उत्तराखंड सरकार ने अस्पताल नहीं बनवाए, उत्तराखंड सरकार ने बिजली महंगी कर दी, उत्तराखंड सरकार ने लोगों के काम नहीं किए, तो मुझे गाली देने लग रहे हैं, मेरे सवालों के जवाब नहीं दे रहे। और मैं तो एक दिन जाके एक दिन ये बात कह के आया था वहाँ पे। आम आदमी पार्टी भी कह रही है इस बात को, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी ने ये बात उठाई है उसके बाद से उत्तराखंड की आम जनता, उत्तराखंड के गांवों में रहने वाले लोग, उत्तराखंड के कस्बों में रहने वाले लोग आजकल सेल्फी डाल रहे हैं कि देखो हमारे सरकारी स्कूल इतने ख़राब हैं। उत्तराखंड के कस्बों में गांवों में रहने वाले लोग सेल्फी डाल रहे हैं कि देखो जी यहाँ हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना था PHC, इसकी हालत कितनी ख़राब है। लोग अब इसको अपनी आवाज़ बना रहे हैं, ये लोगों की आवाज़ है। आज आप मुझे गाली दे लोगे लेकिन आप उत्तराखंड के लोगों को भी गाली दोगे अगर वो कहेंगे कि अस्पताल नहीं बनाए, स्कूल नहीं बनाए, बिजली महंगी कर दी। आज ये खाली मैं नहीं, उत्तराखंड की जनता बोल रही है कि उत्तराखंड में काम नहीं हुआ। उत्तराखंड के लोग चारों तरफ जैसा मैंने कहा सेल्फी बना बना के डाल रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि 20 साल पहले उत्तराखंड बनाया था कि तरक्की होगी, अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छे सरकारी स्कूल बनेंगे, अच्छे अस्पताल बनेंगे, संसाधन वाला राज्य है, बिजली सस्ती होगी, रोजगार मिलेंगे, लोगों का पलायन रुकेगा, पहाड़ में रहने वाली महिलाओं को प्रसव पीड़ा से मरना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज हुआ क्या 20 साल में? आज क्या ये बात किसी से छिपी हुई है कि पहाड़ के गांवों में अगर कोई महिला गर्भवती होती है तो उसकी सबसे ज़्यादा उसके मन में ये खतरा रहता है, उसके परिवार के मन में खतरा रहता है कि कहीं प्रसव पीड़ा से उसकी मौत ना हो जाए, क्योंकि पालकी पे लेके जाना पड़ता है पहाड़ों से। क्यों आप लोगों ने वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनवाए? क्यों एम्बुलेंस नहीं लगवाई? क्यों सरकारी अस्पताल नहीं बनवाए? आज उत्तराखंड के लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्तराखंड से बाहर भेजना पड़ता है। क्यों आप लोगों ने अच्छे स्कूल नहीं खुलवाए? आप तो पहाड़ में, आपके पास जगह है खूब, आपके पास संसाधन है, क्यों आप लोगों ने वहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनाई? क्यों उत्तराखंड के लोगों को नौकरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है? क्यों आपने उत्तराखंड के संसाधन इकट्ठे करके उनका सही उपयोग करके उन पर भ्रष्टाचार ना करके वहाँ के लोगों के लिए जॉब क्रिएट किए? एक साल बचा हुआ है, अभी भी वक्त है। मैं उत्तराखंड के मंत्रियों को और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी को कहना चाहता हूं कि एक साल बचा हुआ है, मुझको गाली देने से कुछ नहीं होगा। उत्तराखंड की जनता का यह आंदोलन बन गया है। वो देख रहे हैं कि एक तरफ एक सरकार है जो उनके लिए कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ भ्रष्टाचार में लगी हुई है, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जिन्होंने दिल्ली में ना सिर्फ काम किए बल्कि लोगों की जिंदगी बदल गई। ईमानदारी की सरकार है। या तो आप एक साल में स्कूल बनवा लो, अस्पताल बनवा लो, नहीं तो फिर उत्तराखंड के लोग अपनी सरकार बदल देंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार ले आएंगे और ऐसी सरकार ले आएंगे जो उनके लिए स्कूल बनाएगी, अस्पताल बनाएगी। मैंने जब सवाल उठाए तो पहले तो बड़ी चुनौती दी मंत्रियों ने, उसके बाद सारे मैदान छोड़ के भाग गए जब मैं देहरादून आया। तो मुझे गाली देने से काम नहीं चलेगा। आज जनता सवाल उठा रही है, अब आप मैदान भी छोड़ के नहीं भाग पाओगे। आप जब जब वहां जाओगे लोग आपसे सवाल पूछेंगे।